जी नमस्कार। नमस्कार यादव जी, आपके पास कितनी गाय है आज? अभी तो 10 हो गया है टोटल। ये सारी गाय अपनी है ना? हाँ हाँ। तो भाई आज फिर से आप देख सकते हैं, मैं मानसे मंडी में हूँ। ये सबसे प्यारी गाय, इस गाय का दाम कितना है यादव जी? दाम तो 91,000 रखे हैं। 91,000। दूध वगैरह 25 लीटर दूध निकाल रहा है। इसका मील कटर आप चेक कर सकते हो। बच्चा वही बाछा है। बच्चा। और कितने ब्याह किए? फर्स्ट ब्याह है, 4 दांत है। तो भाई आप इसका फर्स्ट ब्याह चेक कर सकते हो, उसका अर्डर लेआउटी आप चेक कर सकते हो। गाय काफी शानदार आपको देखने को, इसमें धारा निकल सकती है यादव जी? सब ओके, वो सामने को पड़ता है। एक बार देख लिए थे, एक बार धारा ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पीछे से, अभी गाय की है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इनका, आप मिल्क अर्डर चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे पीछे से आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इनका जो आप मिल्क वैन जो है, और काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। सबसे गाय बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिल जाती है। खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? यादव जी बोल रहे खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? देखिए रहल छे सर, ओम कहे वाला तो कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। इससे आपको एक देखियो ना, मिल का धनपति गुरु है ना, एकर दाम के छे 81,000। हां क्या बात के छे गए? फर्स्ट से फर्स्ट में आते। बच्चा है वो वाला, बच्चा बाछा। तो एक बार अगर दूध निकालिए था तो अभी ताजी भी आई हुई गाय आप देख सकते हो। आप आपको इसका मिल्किंग आप चेक कर सकते हो। आधार ठीक है कर। धार और बच्चा है देख। हाँ हाँ ठीक है। उस साइड का पीछे का सब देखा रहे। धार बहुत अच्छा है, ठीक है। धार अच्छा है, धार में कोई दिक्कत नहीं। सब चीज पहले उसके भी सब चीज हाइट आप चेक कर सकते हो। आप एक बार इनका, अगर आप पीछे से अगर मिल कट आप इसका चेक कर सकते हैं। इनका जो हेड है पीछे से आप, यानी कि थन का स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, और मैं के बिना जो उसको बोलते हैं पछोट का दुआ, वो आपको भी देखने। और कौन है यादव जी आपके पास? हे गुरु देखियो, ये दोनों अपना ही है। हां हां, ये 4 दांत है इसका, ये बच्चा बाछी है। बच्चा बाछी बहुत अच्छा है, देखिए। तो एक बार इसका दूध निकाल के दिखाइए। आप इसका दूध चेक कर सकते हैं। आपको इसका दूध निकलवा के दिखाता हूं भाई। तो यादव जी, हाँ गाय बिल्कुल शांत से, थोड़ा सा ये इनका जो है ताजी भी है गाय। इधर बुआ, तो अभी गाय ताजी भी है। हाँ। थोड़ा सा इनको जो सूजन है, इस तो 4 दांत का गोरुए है, फर्स्ट बियान है। 4 दांत का? हाँ हाँ। और ये वाला तीसरा बियान है इसका, ये बाछी है। बच्चा बाछी है। दाम 85,000 है। ओकर 85,000 है, बराबर सेमी दाम है। ये गाय के दाम चला बुला के दिखाइए था। चल भैया, अच्छा एक दूध कितना हो यादव जी? अभी 22 लीटर दूध निकाले। 22 लीटर दूध? 22 लीटर दूध का दे काटी, ठीक है। मिल कटर आप एक पीछे चेक कर सकते हैं आप एक बार, और यहाँ पे इसका एक बार चेक करें तो आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई ये रहा इनका लोकेशन यहाँ पे। यादव जी आप अपना मोबाइल नंबर बोलिएगा एक बार। 77-39-66-73-08। मंडी में आप कितने दिन रहते हैं? शनिवार से लेके सोमवार तक, 3 दिन तक। 3 दिन इस बीच में जिनको गाय खरीदो से पहले संपर्क कर हम दूध ले जाए जी, उसके लिए कोई दिक्कत। तो भाई आप यहाँ पे सुबह शाम के दूध के, बाकी बहुत सारे मंडी बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ पे आपको पता है भाई कि मैं आज से जब 8-9 महीने से यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, 8-9 महीने से आपको हर मंथ रिजल्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। इनका लोकेशन ये रख, एक बार लोकेशन बता देते यादव जी। लोकेशन किसी कदम गाछ नीचे, जगह का नाम कदम गाछ, मानसी मंडी मवेशी हाट, और बगल में इधर स्टेशन, इधर असम रोड भोसडा। तो भाई यहाँ पे आ सकते हो आप, यहाँ पे इस गाय को खरीद सकते हो। तो मैं भैया चला के दिखा रहा हूँ, तो मैं इनको एक बार चला के दिखाता हूँ इनको, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं। चाल भर यादव जी, इनके कितना दाम मांग रहे हैं यादव जी आप? 85,000 रुपया दाम। 85,000। बच्चा बाछी है, अभी 22 लीटर इसके पास दूध है। 22 लीटर दूध है? 22 लीटर पक्का ठंडा दूध निकालने का चीज है दूध भाई। थन का स्पेस अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, अड्रा का स्पेस इनको अच्छा मिल जाता है। बाकी एक चीज आप बताना चाहते हो भाई, घुटने से अड्रा आप जो है इसको जरूर चेक करें, ये डिस्टेंस आप जरूर मेंटेन करें, क्योंकि भाई मिल्क जो है इनका आपको देखने को मिल जाता है। और यादव जी अपने पास कौन है? ये उजरी वाली है, लाल वाली है। उजरी वाली, इसका दाम क्या मांग रहा है आप? उजरी वाली का 55,000 रुपया रखे हैं। दूध वगैरह? बच्चा बाछी बच्चा है। कितना दाम इसका मांग रहा है आप? 55,000। दूध वगैरह? 14 लीटर दूध है। तो
नमस्कार किसान साथ, मैं फिर से आ गया मानसी मंडी। इसका दाम रोहित भैया 85,000 रुपए। दूध वगैरह 15 केजी होता है। देखो इनको थोड़ा चला के दिखाइएगा भैंस को। तो भाई आप चेक कर सकते हो इनका, एक बार आर्डर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो इनका खुला यानी कि जो भैंस है आपको यहाँ पर मिल जाता है, इनका आर्डर से आप चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बढ़िया नस्ल की आपको यहाँ पर भैंस एक देखने को मिल रही है, जिनके पास आप यहाँ पा सकते हो मानसी मंडी। तो आप यहाँ पर जरूर भैंस को परचेज करें। किसान साथ इसकी कद काठी हाइट इस मेरे ख्याल अभी अभी रोज अभी उतरा ना है आपका इतना देर पहले। तो ये कद काठी इनकी अच्छी है। क्या ब्याद की है? 5 ब्याद की है। तो 5 ब्याद की आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखे भाई, ये मिल कटरा पे मिल भैंस जो होता है, मिल कटरा पे इसका चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और छोटी कद काठी का आपको भैंस देखने को मिल जाएगी। दूध वगैरह रोहित भैया दूध 15 केजी हो रहा है। आपका वही नंबर अपडेट कर दें? हाँ वही नंबर है। तो इनका नंबर मैं अपडेट कर देता हूँ, आप यहाँ पे आके इनसे भैंस परचेस कर सकते हो। और कौन सी आपके पास रोहित भैया? तो एक भैंस आप देख रहे हो, आप आपको देख, इसके नीचे बच्चा क्या चाहिए रोहित भैया? बच्चा पा रहा है, यानी कि एक आपको फीमेल मेल का आप देखने को मिल जाता है। तो इसका दाम आप कितना मांग रहे हैं आप रोहित भैया? इसका आपको देखने को 80 रुपए मांग रहे हैं। 14 केजी दूध है। तो भाई आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, इनका इनका एक बार आप ऑर्डर चेक करें। मैं आपको आगे पीछे दिखा तो इसका ऑर्डर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो 14 के इसका दूध है इनके से बोल रहे हैं रोहित भाई। तो ये भी जस्ट ये लेके आया है, ये भी लेके जस्ट आया है। तो इनका भी चेक कर सकते हो आप, बढ़िया से कद काठी आपको यहाँ पे देखने इसका मिल जाता है। रोहित भैया थोड़ा सा अगर धार चेक करे वो धार चेक करे वो धार कौन ये अपना ही है? ये कितने नस्ल के, कितने ब्याद के? ये दो ब्याद के। इसका दाम क्या मांग रहे हैं आप? तो भाई ये 2 ब्याद की है। और दूध वगैरह इसका कितना बोले? 8 केजी। ठीक है, कद काठी छोटी कद काठी का 8 केजी दूध है इनके नीचे। तो आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे से अगर मैं इनको दिखाऊं तो पीछे से चेक कर सकते हैं, फोटो दिखा रहा हूं और यहां से आप इसको चेक कर सकते हो। एक बार आप एक साइड से चेक कर सकते हो। तो इनकी कद काठी छोटी आपको देखने को मिले। बच्चा इसके रोहित भाई, इसका बच्चा पारा, इसका बच्चा पारा। और उसका यानी तीनों बच्चा पारा है। तीन या चार दिन आपके पास? मेरे पास 4 दिन रहा है वो। तो किसान साथ आप देख सकते हैं, आप आपको भैंस देखने को मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के चेक करवाता हूं आपको यहाँ पे। तो ये भी कद काठी आपको छोटी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। आप यहाँ पे भैंस अगर खरीदने आते हैं तो आप यहाँ भैंस खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ आपको भैंस मंडी सोमवार के दिन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे भैंस खरीद सकते हैं। बच्चा पारा, इसका बच्चा आपको यानी कि जो फीमेल मेल का आपको देखने को मिल जाता है। तो रोहित भैया मंडी का एड्रेस आपका क्या है यहाँ पे? मानसी और लोकेशन मेन लोकेशन मानसी रेलवे स्टेशन के पास, मानसी रेलवे स्टेशन के पास में। और बस पड़ता है कुटिया नहीं, आप यहाँ रास्ता पर बताइए। रास्ता में खड़ी NH 31 है बस स्टैंड के पास जी। तो NH 31 बस स्टैंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किसान साथी। और मानसी रेलवे स्टेशन जस्ट सामना सामने आपको यहाँ पे चापाकल के बाजू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनका मेन लोकेशन यही है, आप यहाँ पे आ सकते हो, भैंस आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर तरह की नस्ल की भैंस मिल जाती है। अच्छा, शनिचर एतवार के आवश्यक सिर्फ या सोमवार सोमवार को और शुक्र शनिचर जो है ना घर पे मिल जाएंगे। शुक्र शनिवार आप घर पे आप भैंस दे सकते हैं, ठीक है? घर पे संपर्क कर सकते हैं जी। और ऐसे आपको लेना भैंस तो आप सोमवार के दिन आप मंडी पे आए। तो भाई इनका कहने का मतलब है आप कब कॉल कर सकते हो इनको, अगर इनके पास घर पे भैंस उपलब्ध है तो आपको भैंस मिल जाएगी। बाकी अगर आपको मंडे के दिन आपको भैंस खरीदना है तो मानसी मंडी आप आ सकते हो। सोमवार तो मैं आगे खरिया मानसी मंडी, यहाँ पे आपको गाय और भैंस यहाँ पे मंडी हर सोमवार यानी कि लग जाता है। और यहाँ पे आप जब भी आते हो तो आपको यहाँ पे गाय मिल जाती है, भैंस मिल जाती है। लेकिन जहाँ पे मैं प्रॉपर जो वीडियो बनाता हूँ, जहाँ वीडियो पोस्ट करते हैं, यहाँ पे होता है कि भाई यहाँ पे आपको एक जेन्युइन चीज मिलता है, क्योंकि आप आपको साइड के पास में यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आके गाय भैंस खरीद सकते हो। वहाँ पे आपको भैंस की मंडी है, वहाँ पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग फिलहाल गाय की मंडी पे है। अगर आप इस साइड आओगे तो आपको सर यहाँ पे गाय देखने को मिल जाती है, बहुत सारे आपको गाय यहाँ पे देखने को मिल जाती है। शनिवार इतवार सोमवार यानी सैटरडे संडे मंडे आप यहाँ पे 3 दिन आ सकते हो। 3 दिन में आप कभी यहाँ पे कोई सी भी गाय या भैंस आप खरीद सकते हो, या फिर आप दूध निकाल के यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। लेकिन जो मेन मंडी आपका लगता है सोमवार के दिन ही लगता है। सोमवार के दिन यहाँ मंडी पे आप आ सकते हो। आप यहाँ पे गाय को अच्छे दूध निकाल के इनका धार वगैरह चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद मिल जाएंगे, तो आप इनसे प्रॉपर आप गाय भैंस को खरीद सकते हो। बाकी आप आपको जो सी गाय पसंद है आपके देख सकते हो यहाँ पे, तो आप इसलिए यहाँ पे गाय भैंस को परचेस कर सकते हो। तो किसान साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो मंडी में जो भी गाय है, खूबसूरत गाय है, इनका दाम रखा जा रहा है। मैंने आपको डिटेल्स वीडियो बताया, इनका एड्रेस आपको बता देना चाहता हूँ एक बार। खगड़िया मानसी मंडी, या तो आप किसी से पूछोगे बाय रोड भी आप आ सकते हो, बाय ट्रेन भी आ सकते हो। मानसी के नाम से एक रेलवे स्टेशन है, मानसी
के नाम से बस स्टैंड पे आता है, खड़िया अगर किसी को बोलेगा तो आपको वो बस से ड्रॉप कर देगा। ये बिहार के लोकेशन पड़ता है, तो बिहार के लोकेशन आप प्रॉपर आते हो तो आपको यहाँ पे गाय भैंस मिल जाता है, लेकिन सोमवार के दिन आपको यहाँ पे आना होगा दोस्तों। शनिवार और इतवार सोमवार से मैंने बताया तो प्रॉपर यहाँ पे यादव जी रहते, तो आप इनसे प्रॉपर गाय भैंस खरीद सकते हो। तो आप मानसी मंडी आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे आप भैंस वगैरह गाय खरीदना हो तो आप हर हमेशा सोमवार के दिन आप यहाँ पे आ सकते हो। गाय भैंस आपको जो भी खरीदना आप यहाँ पे इजली खरीद सकते हो। आप अपने स्क्रिप्ट जो देखिए जितने भी, यहाँ बहुत बढ़िया मंडी है, बिहार लगभग में दूसरी मंडी यहाँ पे लगती है, जो कि आपको यहाँ पे हर तरह के गाय भैंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आए, आप अपने हिसाब से कहीं भी गाय भैंस को आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको मुनासिब दाम पे मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था और करवा भी दिया है, इस तरह से आप यहाँ पे गाय भैंस खरीद सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारी गाय नजर आ जाएंगे मंडी में। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें गाय आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मानसी मंडी में पड़ रहा है। आप यहाँ पे आए, कोई सी भी गाय आप परचेज यहाँ पे कर सकते हो, आपको हर तरीके से गाय आप देखने को मिल जाता है। तो आज का जो हमारे पास लोकेशन था खगड़िया मानसी मंडी में, जो कि आपको सोमवार के दिन मंडी लगती है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट वगैरह सब सुविधा आपको देखने को मिल जाए, उपलब्ध है ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य भी यहाँ पे गाय भैंस को लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, किसान साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।